आगे रहस्य। जब मैं छोटी थी मैं अपनी माँ के साथ कब्रिस्तान के पास हमारे लकड़ी के घर में रहती थी। मुझे छोटी उम्र में ही जीवन के अंत के बारे में मालूम चल गया था। मैं हर रात को चुपके से कब्रिस्तान चली जाती थी और मरे हुए लोगों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करती थी। करीब एक वर्ष तक यही सिलसिला चलता रहा और मेरी माँ भी मुझे नहीं रोकती थी। उस रात के बाद उस कब्रिस्तान जाना छोड़ दिया। जिस रात मेरी प्रार्थना पूरी होने के बाद मेरे पीछे से फुसफुसाती हुई आवाजें आई, आमीन। पीछे मुड़कर देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। आमीन। रहस्य। जब मैं छोटी थी मैं अपनी माँ के साथ कब्रिस्तान के पास हमारे लकड़ी के घर में रहती थी। मुझे छोटी उम्र में ही जीवन के अंत के बारे में मालूम चल गया था। मैं हर रात को चुपके से कब्रिस्तान चली जाती थी और मरे हुए लोगों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करती थी। करीब एक वर्ष तक यही सिलसिला चलता रहा और मेरी माँ भी मुझे नहीं रोकती थी। उस रात के बाद उस कब्रिस्तान जाना छोड़ दिया। जिस रात मेरी प्रार्थना पूरी होने के बाद मेरे पीछे से फुसफुसाती हुई आवाजें आई, आमीन। पीछे मुड़कर देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी।